रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और गाइस मैंने आज बहुत दिनों बाद जो है पहला व्लॉग जो है मैं अपलोड कर रही हूँ रमज़ान के अंदर, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी मैंने स्टार्ट किया है बनाना व्लॉग। और ये देखें, ये मैं आपको ये जो आप वो सामने जो देख रहे हैं वो मेरा हाउस है और मैं इसके पीछे हूँ, ये बराबर वाला हाउस है। तो इस वाले हाउस को जो है हमने रेंट पे देना है, और अभी जो रह रहे थे लोग वो दूसरी जगह जा चुके हैं। तो अब हम ये हाउस जो है वह एम्प्टी हुआ है, तो उसको क्लीन करने के लिए आई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ की थोड़ी सी ब्लॉग बनाऊँ के और बना के आप लोग को दिखाऊँ। ये देखिए बैकयार्ड है, मैं बैकयार्ड से शुरू कर रही हूँ बनाना वीडियो को। ये देखें यहाँ से बैकयार्ड शुरू है, एक्चुअली यहाँ से ये बैकयार्ड शुरू है। ये देखें। और तो मैंने सोचा कि साथ साथ क्लीनिंग भी करते जाऊँ और थोड़ी सी इसकी वीडियो भी बनाऊँ। तो ये देखें, ये पूरा बैकयार्ड है, ये आपको मैं और आगे तक दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ तक चल रहा है अभी तक बैकयार्ड। ये देखें, ये पूरी लुक है, आप देख लें एक दफ़ा यहाँ से। और बड़ी प्यारी हवा चल रही है इस वक्त। ये जो है ये लॉन्ड्री रूम है, साथ में यहाँ पर इसी के साथ ही यार्ड में ही लॉन्ड्री रूम बना हुआ है पूरा, बिल्कुल एज इट इज सेम जो है वो मेरा भी है घर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी घर बने हैं वो सेम ही लोकेशन के, सेम ही डिज़ाइन के बने हुए हैं। ये देखिए, अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। ये यहाँ से जो है किचन शुरू है, तो अभी सब सफाई कर रहे थे। और ये देखिए सब सामान, और ये देखिए फ्रिज व्रिज सफाई वफाई काम चल रहा है। और ये देखिए काउंटर पूरा साफ मस्के हैं। और ये जो है ये लिविंग रूम है, और सब सामान जो है अभी हम मूव कर रहे हैं, निकाल के बाहर फेंकना है सारा सामान, क्लीन करना है इनको भी। और इवन बैथ है, और ये एक रूम ये है, देखिए एक रूम ये है, ये भी स्विच मॉप हुआ है, ठीक है। ये एक रूम है, और मैं अब आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ। दूसरा रूम है, ये हो गया दूसरा रूम। और ये देखें, ये जो है ये तीसरा रूम है। तो इस हाउस में जो है थ्री रूम्स हैं, और ये जो है और थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का हिस्सा। बाहर के हिस्से में आपको ये देखें, ये फ्रंट है, मैंने वो अभी आपको दिखाया था बैकयार्ड था, ये फ्रंट है। फ्रंट पे ये देखें, मेरे घर के बाहर भी जो है मैंगो ट्रीज लगे हुए बहुत सारे, अब तो सब जानते ही हैं, एज ए मैंगो गर्ल सब कॉल करते हैं। तो ये बराबर वाला जो है ये, इसमें भी मेरे हस्बैंड ने लगाए हैं, और माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भी है, एक छोटा सा ये भी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये है फ्रंट, और ये देखें मैं यहाँ खड़ी हूँ, इधर ये पूरा फ्रंट है। ये सब सफाई वफाई हो रही है, काम चल रहा है, सब जो है अभी पूरा क्लीन करके हमको देना है, ये सब सामान बाहर फेंकेंगे ताकि ये पूरा क्लीन हो जाए। और ये देखें, ये फ्रंट हो गई, और ये बराबर घर मेरा। ये देखें, ये बाहर में जो बता रही थी मैं आपको, ये दूसरे फ्रंट में भी मैंगो ट्रीज लगे हुए हैं, सारे मेरे हस्बैंड ने मैंगो ट्रीज लगाए हुए हैं। वो करी लीव्स लगाए हुए हैं, करी पत्ते का दरख्त जिसको हम कहते हैं। ये जो मेल बॉक्स देख रहे हैं ब्लैक कलर का, उसके साथ ही जो है वो करी लीव्स है। और
ये देखें सारा गार्बेज जो हमने बाहर इस तरह निकालते हैं जब उनके टाइम होता है तो वो उठा लेते हैं। ये अभी घर से जो साफ के सारा कचरा उनका निकला है, ये सारा गार्बेज है। और ये देखें ये मेरा फ्रंट है पूरा, ठीक है ना, ये सब कचरा वगैरह सब हमें उठा के सब उसमें डालना है। और अल्लाह भला करे, ठीक है, तो ये हो गया। हट जाके ये फ्रंट की लुक कैसी है, ये देखें ये इसकी फ्रंट है, ये इसका फ्रंट लुक है। ये हाउस मेरा है, क्योंकि ये मेरे हाउस की लुक है। और देखिए सारे हाउसेज जो हैं वो तकरीबन एक ही तरह के बने हुए हैं, ये देखिए। और ये बराबर वाला हाउस है, देखिए कुछ ज़्यादा आपको इतना डिफरेंस नहीं लग रहा, काफ़ी सिमिलर है ये सब कुछ। और उससे बराबर वाला हाउस भी आप देखें जी, ये देखें वो भी उसी की तरह है। सारे हाउसेज जो हैं वो एक ही तरह के हैं ज़्यादातर, वो देखें फ्रंट में आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़्यादातर हाउस इसी एक ही उसके बने हुए हैं और एक ही तरह के इनमें रूम्स होते हैं और एक ही तरह की लोकेशन होती है। और गाइस काम के लिए अब ब्रेक भी चाहिए और अब इफ्तारी का भी टाइम जाएगा, तो उसके लिए भी अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ और इफ्तारी की तैयारी करने जा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ डबल रोटी के दही बड़े अब, और डबल रोटी के दही बड़े बहुत आसान है। और मैंने जो है बेसन के अंदर नमक मिर्च को बस मिलाकर और डबल रोटी की इस तरह उसका आयल पीसेस काट कर मैंने उसमें डिप कर मैं ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इस तरह मैं उसको फ्राई सा कर रही हूँ। सही है डबल रोटी के पीसेस, और देखिए थोड़ा फूल गया ये बिकॉज है, तो देखिए एकदम से जल्दी ही फूल गए हैं ये। और इसको चाहे तो आप एक प्याल में पानी रख कर इसको उस तरह प्रेस करके फिर आप योगर्ट में डालें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रेश ब्रेड हो रही है इस वक्त, बिल्कुल सॉफ्ट है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और नहीं सॉफ्ट करने के लिए इसका पानी में दबा के इसको निकालते हैं, इसको ब्रेड को प्रेस करके। अभी मैं सिर्फ ऐसे ही निकाल रही हूँ, तो ये बिल्कुल देखें ये ब्राउन हो गए, लाइट ब्राउन और सॉफ्ट हैं ये ऑलरेडी। अब इसको सब निकालते जाऊँगी और इसका बनाऊँगी। देखिए मैंने एक बाउल के अंदर योगर्ट और ज़ीरा और नमक को लेकर मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये जो मैंने पीसेस बनाए थे वो ऐड कर लूँगी। ये देखें, और इसके बाद ये देखें, अब इसके बाद जो है मैंने इसमें जो ऐड किया था उसमें करी लीव्स ऑयल, एक ऑयल गर्म करके करी लीव्स और लंबी वाली ये सुर्ख मिर्चें साबुत वाली और ज़ीरा और गार्लिक क्लोव्स को कट करके मैंने एक तड़का बना के इसके अंदर जो है दही बड़ों के अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ। इसे इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और बहुत मज़े की दही बड़े बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखें कलर देखिए कितना एकदम चेंज हुआ है और इसका टेस्ट बहुत ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है और बहुत आसान है बनाना, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस दही बड़ों को। और मैं ऊपर से जो है ये देखें बहुत सारा सा अच्छा सा चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डाला मैंने इसके अंदर, ये देखें बहुत ज़बरदस्त से जो है वो दही बड़े ब्रेड के डबल रोटी के दही बड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसकी लुक देखें और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा इसका इंशाल्लाह, और आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत आसान है डबल रोटी के दही बड़े बनाना। और ट्राई करके आप लोग मुझे भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। ये साथ में मैंने जो है थोड़ा सा बस फ्रूट सैलेड बना लिया है दो प्यालियों में, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे, बच्चे जो है वो नहीं खा रहे हैं फ्रूट सैलेड, तो मैंने बस इतने ही बनाए जितना हम खा सकें। और बस
पकौड़े, फ्रूट सैलेड और ये शरबत वगैरह बना। यहाँ पर मैं जो है पकौड़े का सामान तैयार कर रही हूँ, जिसमें आलू के और बैंगन के और टमाटर के भी इंशाल्लाह पकौड़े बनाऊँगी। तो इसके अंदर मैंने डाला है बेसन के अंदर ज़ीरा और सूखा धनिया और हरी मिर्च डाली है काट के, और जो है लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है और ज़ीरा डाला है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें मैंने डालनी है इसके अंदर, और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी पानी डाल के। और इसमें एक चम्मच जो है मैं दही का डालूँगी, इससे क्रिस्पी बनेंगे दही डालने से। और गाइस ये जो हैं पकौड़े तैयार हो चुके हैं। इसमें मैंने बनाए हैं बैंगन के पकौड़े तैयार किए हैं मैंने, और आलू के तैयार किए हैं पकौड़े इसमें मैंने, ये देखिए बैंगन के हैं, और ये देखेंगे मैंने बनाए हैं टमाटर के पकौड़े। तो आपने अगर टमाटर के पकौड़े नहीं ट्राई किए हैं तो ज़रूर ट्राई किए, इतने मज़े के बनते हैं ये, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को बहुत पसंद है। और साथ में मैंने आलू के पकौड़े भी बनाए, ये देखें इस साइड पर सारे आलू के पकौड़े हैं, और मिक्स मैंने बनाया है आलू बैंगन और टमाटर के। तो ट्राई कीजिएगा टमाटर के पकौड़े, अगर आपने ट्राई नहीं किए तो बहुत मज़े के बनते हैं। वो चिकन तैयार हो रहा है, ये मैंने जो है मैदे में डिप करके मसाला लगा के इसमें मैंने तैयार कर दिए थे, इट्स लाइक अ चिकन रोस्ट। ये तैयार हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। कर गया ये, और ये जो है ये तैयार हो गया है। चिकन ब्रोस्ट की तरह मैंने बनाया था, बहुत आसान सा बनाया मैंने ये। इसके अंदर नमक और सोया सॉस और विनेगर मैंने डाला इसके अंदर, और लाल मिर्च का पाउडर। तो ये चारों चीज़ें बस तीन चार चीज़ें इसमें डाल के मिक्स करके मैंने इसको फ्राई किया है। और साथ में बस मैंने क्यूकम्बर इसलिए लगाए कि देखिए क्यूकम्बर खाने से जो है वो वेट भी कंट्रोल रहता है, जब हम इतनी तली हुई चीज़ें खाएँगे तो साथ में इसको लेवल करने के लिए ये भी है, और इससे बिल्कुल जो है वेट नहीं बढ़ता है, वेट कंट्रोल रहता है क्यूकम्बर खाने से। और इसमें पानी भी होता है इसके अंदर, तो ये ज़रूर खाया करें। तो ये ज़बरदस्त सा बहुत इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये जो मैंने बनाया है इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और ये दोबारा से मैंने बनाया, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था तो ये मैंने दोबारा बनाया है। सो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।